Hello pet parents and welcome to The Dog Father, your one-stop solution for all pet-related queries. Friends, आज हम बनाने वाले हैं अपने pets के लिए एक first aid kit. जी हाँ, हम करेंगे एक DIY activity. जैसे हम घर में अपने लिए एक अलग first aid kit रखते हैं, जिसमें हम items रखते हैं जैसे कि ointment, gauze, bandage, basic medicines, उसी तरह से अपने pet के लिए भी एक अलग first aid kit रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके घर में कोई पेट है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान कैसे रख रहे हैं. इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और हर बार हम अपने पेट को लेके वेट के पास नहीं जा सकते, तो इस किट की हेल्प से आप उनकी बेसिक इंजरीज घर पे आराम से ट्रीट कर सकेंगे. तो ये फर्स्ट एड किट बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बॉक्स या कोई भी पुराना बैग. मैंने ये बॉक्स यहाँ पे ले लिया है और उसे नेम कर दिया है फर्स्ट एड बॉक्स, और इसमें अब हम रख देते हैं अपने पेट्स के लिए सारा ज़रूरत का सामान. तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं और बनाते हैं अपने पेट्स के लिए एक DIY पेट फर्स्ट एड किट. क्योंकि हमारे पेट्स बहुत एडवेंचरस होते हैं तो उन्हें कट्स, ब्रूजेस ये सब लग जाना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और उसको ट्रीट करने के लिए ये सारे आइटम्स यहाँ पे जो मैंने रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं. बट बिफोर दैट, सबसे ज़रूरी चीज़ जो ज़रूरी है हमारे पेट फर्स्ट एड बॉक्स के लिए, वो है हमारे पेट का हेल्थ कार्ड. तो जैसे हम ह्यूमंस के लिए हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो हमारी आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे पेट के लिए ये हेल्थ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर होती है हमारे पेट का नेम, उसकी ब्रीड, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पेट को कौन सी वैक्सीनेशन लग चुकी हैं या नहीं लगी हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका वेट जो है आपके डॉग का या आपकी कैट या किसी भी पेट का ट्रीटमेंट करता है. तो ये आपको अपने पेट के फर्स्ट एड किट में रखना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद कुछ आइटम्स जो हम अपने फर्स्ट एड किट में रखने वाले हैं वो है ये सलाइन वूंड वॉश, जो कि काम आता है आपकी पेट की वूंड को वॉश करने के लिए. तो जैसे ही उसको कोई कट या ब्रूज होता है, आप इसकी मदद से उसके वूंड को, उसके जो ब्लड है उसको क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद हम इसके अंदर में रखेंगे ये कुछ कॉटन स्वॉब्स. सो कॉटन स्वॉब्स आपको काम आएंगे दो चीज़ों में, एक तो ये सलाइन वूंड वॉश की हेल्प से आप उसको क्लीन कर सकते हैं पेट की वूंड को, और दूसरा अगर आपको किसी ऑइंटमेंट को अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप ये कॉटन का यूज़ कर सकते हैं. तो इसे भी हम अपने फर्स्ट एड किट में रख देते हैं. थर्ड थिंग इज दिस ऑइंटमेंट. जैसे हमें भी कोई कट या ब्रूज आता है तो हम उस पर एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक उसी तरह से पेट्स के लिए स्पेसिफिकली उनके लिए ये ऑइंटमेंट आती है. तो कभी भी कोई उनको ब्रूज या कट आए तो आप उस पर ये ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, और उसके बाद उसका जो भी रिकवरी का प्रोसेस है वो आप चालू कर सकते हैं. दिस इज़ अ डॉक्टर्स टेप. आपको पता ही इसका क्या यूज़ होता है. तो जब भी आप पेट के वूंड पे ये ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो गौज अप्लाई करने के बाद में आप डॉक्टर्स टेप से उसको सील कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस गौज. ये जो गौज है वो हमारे नॉर्मल ह्यूमन गौज के जैसा ही है, इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा सा ब्रॉड है. तो अगर आपके पास में ये गौज नहीं है जो कि ब्रॉड है, आप अपना नॉर्मल ह्यूमन वाला जो पतला वाला गौज आता है वो भी आप अपने पेट के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दिस क्लॉटेड पाउडर. तो अगर आपके पेट को वूंड ऐसा है जो थोड़ा डीप है और उसमें ब्लड नहीं रुक रहा है, तो आप उसके ऊपर में ये क्लॉटेड पाउडर थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो ब्लड आना है वो इमिजिएटली बंद हो जाएगा. उसके बाद आप उसके ऊपर में ऑइंटमेंट एप्लीकेशन और जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं. तो इसे भी मैं रख देती हूँ हमारे फर्स्ट एड किट में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस सिरिंज. ये सिरिंज भी एक्चुअली आपको दो चीज़ों के लिए काम आने वाला है. पहला यूज़ है कि अगर आपको ये सलाइन वूंड वॉश यूज़ करना है तो आप इसको सिरिंज में फिल करके पेट के वूंड को क्लीन कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपको अपने डॉग को या अपने कैट को या अपने किसी भी पेट को कोई भी मेडिसिन देनी है जो कि लिक्विड है या फिर लिक्विड नहीं भी है, तो आप उसको पानी में घोल के हल्का सा सिरिंज में फिल करके अपने पेट के माउथ में इंजेक्ट कर सकते हैं. तो इसे भी हम रख देते हैं हमारे पेट फर्स्ट एड बॉक्स में. नेक्स्ट थिंग इज दिस पेयर ऑफ ब्लंट सीजर्स. ध्यान रखिएगा कि ये शार्प नहीं होनी चाहिए. हमारे सभी पेट्स के फर होता है, जैसे कि कैट हो या डॉग हो या रैबिट हो,
तो जब उनके लग जाती है तो कई बार उन्हें बैंडेज करने के लिए हमें उनके फर को थोड़ा सा क्लिप करना पड़ता है, तो उसी के लिए यूज़ आती हैं ये वाली सिजर्स। दूसरा यूज़ इनका ये है कि आप इन्हें गॉज या फिर ये डॉक्टर्स टेप जो है उसे कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ब्रूज या कोई कट को ट्रीट करने वाली बात। अगर आपके डॉग को हल्का सा कोई स्क्रैच है और उसको बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट वगैरह एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप ये हिमालय का स्कावॉन ट्रॉपिकल वूंड हीलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी अपने पेट्स के लिए काफ़ी यूज़ करती हूँ। इसको बस आपको दूर से पेट की वूंड पे स्प्रे कर देना है और इससे उसका वूंड जो है वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इसकी जो बहुत अच्छी चीज़ वो ये है कि इसकी स्मेल से फ्लाइज या बीज जो होती हैं वो आपके पेट की वूंड के आसपास भी नहीं आती हैं। तो ये तो हो गई आपके पेट के कट और ब्रूजेस को ट्रीट करने की बात। लेकिन अगर आपके पेट को खेलते खेलते मोच आ गई है या उसका पैर या उसका हैंड स्वेल हो गया है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों आइटम्स हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला है ये पेट एसेंशियल बैंडेज, सेल्फ एडहेसिव बैंडेज। तो हम ह्यूमंस के लिए जैसे क्रेप बैंडेज आता है, उसी तरह ये पेट्स के लिए अलग से बैंडेज आती है जो कि सेल्फ एडहेसिव है और स्ट्रेचेबल है। तो आप अपने पेट के लिए यही वाला बैंडेज यूज़ करिए, नॉर्मल ह्यूमंस वाला बैंडेज ना यूज़ करिए। ये आपके पेट के मसल को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है और उसकी स्वेलिंग या फिर जो भी मोच है उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है ये आइस पैक। तो इसे आप रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो जब वहाँ पे भी आपके पेट के बॉडी पार्ट पे कोई स्वेलिंग है वहाँ पे आप इस आइस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी पेट की जो पेन है वो रिलीव होएगी और उसकी वूंड जल्दी हील होएगी। ये तो हो गई वूंड्स, कट्स और स्प्रेन्स को ट्रीट करने की बात। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पेट के फर्स्ट एड किट में रखनी है, जैसे कि ये ट्वीज़र्स और ये डिजिटल थर्मामीटर। ये ट्वीज़र्स काम आएंगे अगर आपके पेट को कोई भी फ्ली या फिर टिक्स हो गए हैं तो उसे प्लक करने के लिए। ध्यान रखिए, आप ये जब भी फ्ली या टिक निकालें उसको पानी में ही छोड़िएगा, वरना वो मरेगा नहीं और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिजिटल थर्मामीटर, इसका काम क्या है वो तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट कुछ फीवर वाले सिम्टम्स दे रहा है, जैसे कि उसे भूख नहीं लग रही है, उसे नौजिया है, वो थोड़ा वीक और लथार्जिक लग रहा है, तो आप इस थर्मामीटर की मदद से उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जो ये डिजिटल थर्मामीटर है, दिस इज़ ईजी टू यूज़ एंड बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इज़ दिस पेयर ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स। ये एक्चुअली आपके पेट के लिए नहीं है लेकिन आपके लिए हैं। तो जब भी आप अपने पेट को उसकी वूंड या ब्रूज के लिए ट्रीट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ये ग्लव्स ज़रूर पहने ताकि उनका इन्फेक्शन आपके हैंड्स पे नहीं आए। तो इन आइटम्स के अलावा कुछ और आइटम्स भी हैं जो कि आप इस पेट फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लीश, अ स्मॉल टॉवल, सम ट्रीट्स एंड अ मसल, जो कि अगर आपको अपने पेट को वेट के पास में ले जाना पड़े तो उसके लिए काफ़ी हैंडी हो सकता है। याद रखिए कि ये सारे आइटम्स आपके पेट के सिर्फ बेसिक इंजरी को ट्रीट करने के लिए हैं। अगर आपके पेट का वूंड 1 इंच से डीप है और उस पर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप उसको इमिजिएटली वेट के पास में लेके जाएं। आप खुद घर पे वेट बनने की कोशिश ना करें, उसे ट्रीट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज वो वूंड और भी बिगड़ सकता है। तो चलिए रख देते हैं ये सारा सामान इस पेट फर्स्ट एड किट में। तो बन गया है हमारा पेट फर्स्ट एड किट और इसे आप अपने पेट के रूम में या उसके आसपास ही रखिए ताकि आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े, आपको सारा सामान इसके अंदर में रेडीली वेल मिल जाए। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये सारे आइटम्स की लिस्ट इस पेट फर्स्ट एड बॉक्स के पीछे चिपका लें विद देयर एक्सपायरी डेट्स, ताकि जब भी आपको अपने पेट के लिए कोई ऑइंटमेंट या स्प्रे यूज़ करना हो आप उसकी एक्सपायरी चेक करके ही यूज़ करें।
आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो और ये पेट फर्स्ट एड किट आपके पेट के लिए बहुत यूजफुल रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योर पेट वेरी नाइसली।